वेलकम टू माय चैनल पेपीज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एकदम ही इजी झटपट बन जाने वाला मसालेदार सब्जी बना रहे हैं। रसा वाला सब्जी मतलब ग्रेवी टाइप का सब्जी है, जिसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं स्वीट कॉर्न। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न का सब्जी, तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज का स्वीट कॉर्न लिया है और जिसे एक मोटी मोटी स्लाइस में कट लिया है। बीच से ही डायरेक्ट कट करना है, कच्चा वाला ही स्वीट कॉर्न हमें कट करना है और यूज करना है। उसके साथ थोड़े बहुत मसाले लिए हैं, टमाटर लिया है, दो टमाटर है मीडियम साइज के, उसके साथ एक मीडियम साइज का बड़ी साइज का कांदा लिया हुआ है, 6 से 8 कली लहसुन है, सूखे मसाले में जीरा, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और थोड़े बहुत खड़े मसाले हैं जिसमें लिया है लौंग, 6 से 7 लौंग है, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का है, 2 से 3 रेड चिली है, सूखा वाला रेड चिली जो हम वघार में डालेंगे, और थोड़ा सा गुड़। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम टमाटर, ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट बना लेते हैं। सारी चीजें एक साथ मिक्सर में ऐड करके इसे हम स्मूथ पेस्ट रेडी करते हैं। एकदम स्मूथ पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। बस हम इसका तड़का डायरेक्ट कुकर में लगाएंगे और कुकर में ही हम ये सब्जी कुक करेंगे। तो कुकर में मैंने लिया हुआ है 2 चम्मच जितना ऑयल, बहुत कम ऑयल में ये सब्जी बन जाएगी, और हम तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम होने पे इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा भुनने के बाद हम ऐड करेंगे लौंग, दालचीनी और लाल मिर्च। जीरा भुनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग, दालचीनी और लाल मिर्च। हल्का सा भुनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रेवी। और सारी ग्रेवी हम इसमें हल्की आंच पे थोड़ा सौते करेंगे। हल्का सा सौते होने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले, 1 चम्मच छोटा हल्दी, 3 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच नमक। फ्रेंड्स, इसमें ना मसाला एकदम ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला इसमें यूज होगा, बिकॉज जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा है और उसके साथ हमारा जो स्वीट कॉर्न का क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो हम स्वीट कॉर्न के हिस्से का नमक और सारा मसाला भी हम ग्रेवी में ही ऐड कर देते हैं। बस हल्का हल्का मसाला कुक होने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारे स्वीट कॉर्न। पहले अच्छे से ग्रेवी में कवर कर लेंगे स्वीट कॉर्न को। फिर सारा ग्रेवी अच्छे से कवर होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जो बर्तन में हमने पेस्ट बनाया था वही बर्तन में से
हम एक्स्ट्रा ग्रेवी जो है वो निकाल लेंगे साथ में ही। और फाइनली ऐड करेंगे गुड़ और इसे कवर करके 4 विसल तक हम कुक करते हैं। तेज आंच पे 4 विसल होने तक हम कुक करते हैं सब्जी को। 4 सीटी होके कुकर अभी ठंडा हो रहा है, बस ठंडा होने के बाद हम सब्जी सर्व करते हैं। कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज हो चुका है, बस अभी हम ये खोल रहे हैं। बस तो अभी हमारा सब्जी है वो सर्विंग के लिए रेडी है। एकदम ही खुशबूदार सब्जी रेडी हो गया है और बहुत ही मजा आने वाला है खाने का फ्रेंड्स। इसे हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर के साथ। फ्रेंड्स ये चटपटा सब्जी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा खाने का। हम ये गरम गरम अगर स्वीट कॉर्न उठा नहीं पाते तो ये बारबेक्यू स्टिक है, बारबेक्यू स्टिक को हम बीच में पिल कर देंगे और उठा के गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न मसालेदार खाएंगे और रोटी के साथ ग्रेवी खाएंगे, बहुत बहुत मजा आएगा खाने का। फ्रेंड्स एक्चुअली ये हम जब छोटे थे तभी मम्मी बनाया करते थे, बहुत ही मजा आते था खाने का और आज मैंने आपके लिए ये डिश शेयर की है। देखते रहिए मेरा चैनल 33 रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। और हाँ प्लीज 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 कमेंट में शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू।